Dear children, today we are going to do the planner of day 26, Urdu, page number 30 and 31. बच्चों, आज हम हा की आवाज सीखेंगे. हा, ये क्या है? हा, हे, हा, हलवाई, हे, हा, हलवाई, ये क्या है? हे, हा, हलवाई, हे, हा, हमाम. मेरे साथ मिलकर आपने सारा पेज अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ना है. हे, हा, हमाम, हे, हा, हमाम. मेरे साथ मिलकर आपने सारा पेज अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ना है. हे, हा, हमाम, हे, हा, हमाम. मेरे साथ मिलकर आपने सारा पेज अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ना है. हे, हा, हमाम, हे, हा, हमाम. मेरे साथ मिलकर आपने सारा पेज अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़ना है. हे, हा, हमाम, हे, हा, होज, 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 हे, हा, होज. दोहराई. बच्चों को हाथी वाली पूरी नज़म अच्छे से याद करवानी है. अरबी कादा याद करवाना है. दुआएं सारी सुननी है बच्चों से. इस्लामिया की क्वेश्चन से सुननी है. और इसी तरह जो हमने अदाब सीखे हैं पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 8 तक जितने भी हमने ये अदाब सीखे हैं ये बच्चों को तमाम 8 के 8 अदाब अच्छे से याद करवाने हैं. बार बार उसकी मश्क भी करवानी है. अदाब. घर से बाहर जाते वक्त घर वालों को सलाम और अल्लाह हाफिज कहकर जाना चाहिए. बच्चों, जब भी हमने घर से बाहर जाना है तो क्या करना है? तमाम घर वालों को सलाम करना है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. और फिर हमने अल्लाह हाफिज कहना है. क्या कहना है? अल्लाह हाफिज. नजम. जल्दी से मेरे साथ मिलकर पढ़े. आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे. बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे. गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे. अब मेरे साथ मिलके पढ़े. आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे. बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे. गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे. आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे. बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे. गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे. अब मेरे साथ मिलके पढ़े. आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे. बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे. गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे. इस्लामिया. इस्लाम हमें क्या सबक देता है? अच्छे काम करने का. प्यारे बच्चों, सुना आपने? इस्लाम हमें क्या सबक देता है? अच्छे काम करने का. अच्छे काम करने का. प्यारे बच्चों, सुना आपने? इस्लाम हमें क्या सबक देता है? अच्छे काम करने का. अच्छे काम करने का. प्यारे बच्चों, सुना आपने? इस्लाम हमें क्या सबक देता है? अच्छे काम करने का. दीन इस्लाम की किताब का नाम क्या है? कुरान पाक. क्या नाम है? कुरान पाक. दीन इस्लाम की किताब का नाम क्या है? कुरान पाक. दीन इस्लाम की किताब का नाम क्या है? कुरान पाक. क्या नाम है? कुरान पाक. दीन इस्लाम की किताब का नाम क्या है? कुरान पाक. अब हम अरबी कादा पढ़ेंगे. फा फा
फा फा फा फा फा फा फा फा फा फा। आगे जो दो नोटों वाला कॉफ है इसको मोटा पढ़ना है, कॉफ 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 कॉफ। प्यारे बच्चों, जब हम घर में दाखिल होते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहेंगे हम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहेंगे हम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहेंगे हम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहेंगे हम? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम उस्ताज़ किराम, इस बात का यकीन कर लें कि तमाम बच्चों को बुलंद आवाज़ में नज़म, दुआएं और तमाम सवालात ज़ुबानी याद करवा दिए हैं। कल ही ने सुने और फिर दोबारा याद करवाएं। अब हम रिटर्न वर्क करेंगे। हाँ, हमने हा के आवाज तो सीख ली, अब हम हा लिखना सीखेंगे। जैसे हमने जीम और चे लिखा, सेम उसी पैटर्न पे हमने हा लिखना है। हा बन गया। बच्चों, इसी तरह आपने तमाम जमात का काम करना है। जैसे हमने जीम और चे लिखा, सेम उसी पैटर्न पे हमने हा लिखना है। हा बन गया। बच्चों, इसी तरह आपने तमाम जमात का काम करना है। इमला करवानी है टीचर्स आपने बच्चों से। मोहतरम उस्ताज़ किराम, पेज नंबर 30 दोबारा से सुने और अच्छी तरह याद करवाएं। वालदैन, आपने बच्चों को इसी तरह घर में ये काम करवाना है। बच्चों को बार बार लिखवाना है, पढ़ाना है और याद करवाना है, और इसी तरह बच्चों से इमला करवानी है और दरमियान वाला हर्फ लिखवाना है। थैंक यू।